आज का टॉपिक है डॉल्बी डिजिटल के बारे में। इससे पहले मैं आपको डॉल्बी डिजिटल का फुल एक्सप्लेनेशन दूं। मैं आपको मोनो और स्टीरियो के बारे में बताना चाहती हूँ। मोनो में पहले एक स्पीकर होता था एंड स्टीरियो में आपको दो स्पीकर मिलते थे, लेफ्ट और राइट। एंड डॉल्बी डिजिटल में 5.1 यानी कि 5 मेन स्पीकर होते थे, ठीक है, और 0.1 यानी कि एक सबवूफर मिलता था। तो इसके तीनों के बारे में डिटेल में आगे बात करेंगे और डॉल्बी डिजिटल के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे। चैनल्स के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। मोनो में सिर्फ एक स्पीकर होता था एंड उसके बारे में कुछ डिटेल की जरूरत नहीं। स्टीरियो में आपको लेफ्ट एंड राइट मिलता है। एंड इसके अलावा डॉल्बी डिजिटल के चैनल्स के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। तो डॉल्बी डिजिटल में आपको एक मेन स्पीकर मिलता है सेंटर में एंड आपको लेफ्ट में एक स्पीकर मिलता है, राइट में एक स्पीकर मिलता है एंड रियर लेफ्ट और रियर राइट पीछे की तरफ मिलते हैं। तो ये तो हो गए आपका सेंटर एंड प्लस चार चैनल, दो फ्रंट में लेफ्ट और राइट और दो पीछे की तरफ रियर लेफ्ट और रियर राइट, ठीक है। तो ये पांच मेन स्पीकर आपके हो गए एंड 0.1 इसलिए होता है, 0.1 का मतलब एक सबवूफर भी इसमें ऐड होता था। तो होता है पांच मेन स्पीकर के साथ साथ आपको एक सबवूफर भी मिलता है डीप बेस के लिए। डीप बेस मतलब जो भी आपकी जो भूम भूम की आवाज होती है वो प्रोड्यूस करता है वो सबवूफर। 5.1 की चैनल्स को डिटेल में समझ लेते हैं, कौन कौन से स्पीकर कौन कौन सी जो है वॉइस और आपको एक्सपीरियंस देता है। देखिए सेंटर वाला और लेफ्ट और राइट, ये तीनों जो फ्रंट के होते हैं सेंटर लेफ्ट और राइट, ये आपको अच्छे डायलॉग्स निकाल के देंगी, वोकल्स अच्छी निकाल कर देंगे। अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं कुछ भी, क्लियर वॉइस आपको मिलेगी इन तीनों से, ठीक है। और जो रियर लेफ्ट और रियर राइट पीछे की तरफ लगे होंगे वो आपको सराउंड साउंड एक्सपीरियंस देंगे, यानी कि बिल्कुल सराउंड साउंड जैसा एक्सपीरियंस देंगे जैसे कि आप उस एक्शन के मिडिल मर पे बैठे हैं। तो वो काम वो आपका पीछे वाले करते हैं। और सबवूफर मैंने जो बताया ये पांच तो मैंने बता दिए पांचों के बारे में, और एक 0.1 होता है यानी कि सबवूफर, वो मैंने आपको बताया था अभी, वो आपका अच्छी बेस देगा यानी कि अच्छी बेस के लिए वो। अब स्टीरियो और डॉल्बी डिजिटल के साउंड के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। डॉल्बी डिजिटल नया है तो ऑफकोर्स उसमें कुछ अच्छा रहता है तो एडवांस चीज रहती है। तो स्टीरियो और डॉल्बी डिजिटल के बारे में बात कर लेते हैं। स्टीरियो में लेफ्ट और राइट होता था, आपने हेलीकॉप्टर वाला एग्जांपल बहुत बार सुना होगा। अगर लेफ्ट और राइट है तो अगर हेलीकॉप्टर मूव कर रहा है तो आप लेफ्ट से अगर मूव कर रहा है तो लेफ्ट के ईयर में कम आवाज सुनाई पड़ेगी और राइट के ईयर में ज्यादा आती जाएगी। ऐसे ही इधर से अगर घूमेगा तो कानों के बीच जो डिफरेंस होगा सुनने का वो थोड़ा कम और ज्यादा होता जाएगा जैसे हेलीकॉप्टर मूव करेगा। हेलीकॉप्टर के अलावा आप कुछ भी इमेजिन करिए, बारिश पड़ रही है या फिर कोई मूविंग व्हीकल्स है, हॉरर मूवी देख रहे हैं, एक्शन मूवी देख रहे हैं या कुछ भी। और वहीं डॉल्बी डिजिटल में क्या होता है कि अगर कोई हेलीकॉप्टर भी चल रहा है तो स्पीकर ज़्यादा रहते हैं और जो आवाज़ का सुनाई पड़ना स्टीरियो में कम और ज़्यादा होता जाता था वो ऐसा नहीं होता है डॉल्बी डिजिटल के केस में। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप वहीं पर हैं एंड इनफैक्ट उसमें क्या एक्यूरेट आपको वॉइस मिलेगी, आप किसी भी चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं इस केस में, कोई भी व्हीकल से कुछ भी। तो डॉल्बी डिजिटल में ऑन एंड ऑल ये आप मानिए कि रियलिज्म फील होती है, बिल्कुल रियलिस्टिक फील होता है कि आप उस एनवायरमेंट में ही हैं। डॉल्बी डिजिटल के बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। डॉल्बी डिजिटल जो है वो हॉरिजॉन्टली काम करता है और या कह लिए 360 डिग्री काम करता है वो आपका। और जो डॉल्बी एटमॉस है इसके बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी, ऊपर का भी एक्सपीरियंस देते हैं अब फायरिंग स्पीकर्स के कारण। बट डॉल्बी डिजिटल में आपको जो है 360 डिग्री और हॉरिजॉन्टली ही एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड डॉल्बी डिजिटल जो है वो अप टू 5.1 चैनल्स तक सपोर्ट करता है। एंड साउंड बार्स जो होते हैं वो डॉल्बी डिजिटल इनेबल्ड आते हैं, टीवी शोज वगैरह मिल जाएंगे आपको। एंड साउंड बार जो आपको मिलते हैं वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा कि जो डॉल्बी डिजिटल इनेबल्ड साउंड बार जो आते हैं वो एक्चुअली प्रोसेस करने के साथ साथ क्या वो रियल एक्सपीरियंस दे पाते हैं, इसके बारे में भी मैं अपने नेक्स्ट वीडियोज में कवर करूंगी। तो और इसके अलावा डॉल्बी डिजिटल प्लस जो है उसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। एंड प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, सब्सक्राइबर ज्यादा रहेंगे तो हर शोरूम वाले मुझे प्रोडक्ट्स के लाइव डेमोज देने के लिए
एंड रियल ऑनेस्ट रिव्यू देने के लिए रेडी रहेंगे। एंड इसके साथ साथ बेल नोटिफिकेशन भी हिट कर लीजिए, एंड सब्सक्राइब करना ऑफ कोर्स फ्री है, आपको ही फायदा मिलेगा, लाइव डेमोज आप मेरे चैनल पर प्रोडक्ट्स के देखेंगे तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड बाय द वे मैं बता दूं, इस चैनल का नाम प्राइड एंड बियर है। प्राइड एंड बियर थोड़ा जेनरिक नाम है, बट इस चैनल पे होम किचन लाइफ स्टाइल गैजेट्स या अप्लायंसेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है, प्रोडक्ट्स की रिव्यूज वगैरह। इससे रिलेटेड मेरी एक वेबसाइट भी है जो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। एंड इसके अलावा मेरे अदर आउटडोर शूट वाले वीडियो जो मैं बाहर जाकर आपके लिए शूट करती हूँ, वो भी आप नीचे अदर वीडियोज मेरे जाकर चेक कर सकते हैं। एंड कुछ भी और है तो कमेंट कर सकते हैं। एंड बाय द वे माय नेम इज तृप्ति।